आपको रिमाइंड कराता चलूं कि सैयद साद कादरी इंग्लिश चैनल एक है, और इसी तरह मैंने अभी रिसेंटली सैयद साद कादरी कुरान रेसिटेशन का चैनल भी लॉन्च किया है। तो इन दोनों चैनल्स को विज़िट करना, इन्हें सब्सक्राइब करना, इनमें वीडियोस देखना ना भूलें। इन दुरूस की MP3s हासिल करने के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल आया है कि क्या काले रंग का जूता पहन सकते हैं कि नहीं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि लोग ये सवालात तो भेजते हैं कि काले रंग के जूते पहन सकते हैं कि नहीं, काले कपड़े पहन सकते हैं कि नहीं। इस पर मैंने आपको पहले दर्स दिया था कि काले कपड़े पहन सकते हैं कि नहीं। बाज़ दिनों में जो है वो उलमा मना करते हैं कि रावजियों से मुशाबहत ना हो, लेकिन उसके अलावा काले रंग के कपड़े पहनने में कोई मज़ायका नहीं। इस पर बड़ी तवील दर्स में आपको मुहर्रम में दे चुका हूँ। अब काले जूते पहनने से मुतालिक तो लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन ये सवाल नहीं पूछते कि भाई जूते पहनते कैसे हैं सुन्नत के मुताबिक। आइए इस पर पहले बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं कि काले रंग का जूता पहन सकते हैं कि नहीं। देखें, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स जूता पहने तो पहले दायां जूता पहने। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्सर औकात जूतियाँ पहने रहा करो, क्योंकि जूतियाँ पहनने से आदमी सवार रहता है, यानी कि ऐसे हालत में जहाँ पे जूते पहनने चाहिए वहाँ जूते पहनने चाहिए। तो मालूम हुआ कि अक्सर औकात जूते पहनकर चलना चाहिए जब आप बाहर जा रहे हैं घर से। अब घर के अंदर तो डिपेंड करता है ना, कारपेटेड हाउस है कि नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में जैसे घर होते हैं वहाँ पे हर रूम में तो कारपेट नहीं होती, तो लोग जूते चप्पल पहन के घर में चलते हैं। लेकिन अमेरिका वगैरह में बाज़ जगहों पर कारपेटेड हाउसेस होते हैं, मिडल ईस्ट वगैरह में भी, यूरोप में भी। तो फिर वहाँ पर अगर वुडन फ्लोर नहीं है तो फिर लोग नंगे पाँव फिरते हैं घर में। तो अगर बाहर जा रहे हैं तो जूते पहनना चाहिए, जो कॉमन सेंस वाली बात है। तो मुस्लिम शरीफ की जो रिवायत थी वो मैंने आपके सामने रख दी। अच्छा, इसी तरह जूता उतारते वक्त पहले कौन सा जूता उतारेंगे, तो जूता उतारते वक्त पहले बायां जूता उतारना चाहिए, बुखारी शरीफ की जो रिवायत है। और एक जूता पहनकर चलना ये ममनू है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई एक जूते में मत चले, दोनों पहने या दोनों उतार दे। ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है। तो ये तो हमें पता चल गया कि जूतों से मुतअल्लिक क्या मामला है। अच्छा, ऊँची एड़ी वाले जूते जो पहनते हैं ना, या हम लंबे लगेंगे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनू इसराइल की एक औरत का जिक्र किया जो छोटे कद की थी। उसने लकड़ी की एक जूती बनवाई हुई थी और दो लंबे कद वालियों के दरमियान चलती थी। सही मुस्लिम की रिवायत है, और इमाम नवावी ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि अगर इसका मंशा सही और मकसूद शरई हो, ताकि वो अपने आप को छुपाए, किसी ऐप को छुपाए और उसको कोई पहचान ना सके और अजियत ना पहुंचा सके, तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर उसका मंशा बड़ाई हो, अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाना हो, धोखा देना हो, तो फिर ऐसा करना जो है वो नाजायज़ होगा। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि डॉक्टर आपको राय देता है सर्टन किस्म के जूते पहनने पड़ते हैं। कुछ लोगों को हील में प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लोगों के गैप्स जो है ना, ये आर्च बड़ी ऊंची होती है, तो उनको आर्च बैलेंस करने के लिए बाज़ाब्ता सर्टन किस्म की चीज़ें अपने जूतों में पहननी पड़ती हैं, वो और मामला है। लेकिन आम तौर पर जो एक बात है ना, उसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था। अच्छा, अब आ जाएँ कि काले रंग का जूता। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, काले रंग के जूते पहनने में कोई मुज़ायका नहीं है। सिर्फ ये बात है कि फरमान मुस्तफ़ा है कि जब तुम में से कोई जूते पहने तो दाएं पहले इब्तिदा करे, बाएं को बाद में। ठीक है, उतारे तो बाएं को पहले और दाएं को बाद में। ठीक है, तो ये बुखारी शरीफ की रिवायत है कि सीधा पाँव पहनने में अव्वल और उतारने में आखिरी रहेगा। अच्छा, जूते पहनने से पहले झाड़ लेने चाहिए कि अगर कोई चीज़ हो तो वो निकल जाए। किसी भी रंग का जूता पहन सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। आप इन टेंशनों में, चक्करों में ना पड़ा करें। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि भाई बाज़ उलमा कहते हैं कि काले रंग के जूते ना पहना करो, कि काबे का ख़िलाफ़ काला है,
भाई काबे के गिलाफ तो मुख्तलिफ रंग के रहे मुख्तलिफ ज़मानों में, काला तो आप अभी देख रहे हैं ना, चंद सौ साल कोई हमेशा से तो काले रंग का गिलाफ रहा नहीं, अजमत काबे की वजह से बाज़ लोग कहते हैं, लेकिन इसका कुरान और हदीस में कोई इसमें दलील नहीं मिलती कि भाई क्योंकि काबे के उस वक्त धारीदार अगर थे तो हुजूर ने धारीदार जूते पहनने से मना फरमाया हो, या जो भी काबे के गिलाफ का रंग था उस रंग का पहनने से मना फरमाया हो। इसी तरह गुम्बद खदरा का जो रंग खदरा है वो भी अब है, पहले तो नहीं था, ये तो बाद की बात है, अब हमारे ज़माने में खतरा हो गया, हरे रंग का हो गया है। तो वो जो कहते हैं वो उनका आपस अपना अपना एक फहम है, लेकिन शरीयत में कोई इसकी दलील नहीं, कोई जवाज़ नहीं, उनकी ईमानी कैफियत का हाल है, वो अदबन काले जूते नहीं पहनते। लेकिन ये तो नहीं है कि काले रंग के जूते पहनना नाजायज़ है, या इस्लाम ने मना किया है, या हदीस में इनसे मना हुआ है, तो काले चप्पल हो, काले जूते हों, ये पहनना जायज़ है, काले मौज़े हों, ये पहनना भी जायज़ है। तो इसलिए जो है ना, आप लोग इन चक्करों में ना पड़ा करें, और ये कोशिश किया करें कि आप ये सीखें कि सही अमल कैसे हो, जूता पहना कैसे जाए, जूता पहनकर चला कैसे जाए, उतारा पहले कौन सा जाए, पहना पहले कौन सा जाए। इसलिए मैंने इस चीज़ पर आपसे बात की है ताकि ये बात आपके सामने वाजे हो। और हील वाले जो जूते हैं उसके ऊपर फिर उलमा की क्या राय है, इसी तरह जो है और मुख्तलिफ जूतों से मुतालिक मामलात हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला थोड़ी से और बातों को फिर डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही सही, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप ये सब कुछ लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रा शॉकिंग भी होगी, कुछ लोग इसके ऊपर शायद नेगेटिवली भी मनफी भी रिएक्ट करें कि यार क्या बात कर रहे हैं आप, हमने तो सारी ज़िंदगी ये सुना है वो सुना है। देखिए ये सुना है वो सुना है से कुछ नहीं होता ना, सारी ज़िंदगी अगर आप सुनते रहें कि काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो ये हो जाएगा वो जाएगा तो क्या ठीक हो जाएगा मामला। अच्छा कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है कि भाई जूता उल्टा पड़ा हो तो नौसत हो जाती है, यू नो इस तरह के मामलात भी हैं। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बना रखी हैं, उनकी असल कोई नहीं है, ये तोहम परस्तियों से बाहर आ जाएं, क्योंकि इस्लाम ने इन तोहम परस्तियों का कला कमा भी किया और इनका गला भी घोंट दिया है। और कैसे घोंट दिया, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमा तौहीद ने इन सारी तोहमात को बंद कर दिया है कि इनकी कोई औकात नहीं है, कोई वक़ात नहीं है, इनकी शगुन पगुन सब बेकार की चीज़ें। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका विर्द करो, अपने दिलों में ईमान को मजबूत करो, और देखो याद रखो नमाज में क्या पढ़ते हो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। तो अपने ईमान पर काम करो, ईमान को मजबूत बनाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इन दुरूस की MP3s हासिल करने के लिए मेरे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करें, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि सैयद साद कादरी इंग्लिश चैनल एक है, और इसी तरह मैंने अभी रिसेंटली सैयद साद कादरी कुरान रेसिटेशन का चैनल भी लॉन्च किया है। तो इन दोनों चैनल्स को विज़िट करना, इन्हें सब्सक्राइब करना, इनमें वीडियोस देखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके, और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।